थोड़ा सा एक सूचना है ध्यान सूचना क्या है ये ऐसी एक आवश्यकता भी कह लीजिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में आंदोलन चल रहा है परीक्षा को लेकर अब उसमें दो शिफ्ट में प्री वाली परीक्षा कराई जा रही है जान रहे हैं प्रशासन इस बात की दुहाई दे रहा है कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है एक साथ इतने बड़ी संख्या में संख्या में बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जाता लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दो शिफ्ट में लेने पर बहुत सारे क्या है अब क्या दोनों शिफ्ट में या जो दो बार पेपर बनेगा उसका लेवल सेम हो सकता है हो सकता आपको दूसरा वाला आ रहा हो पहला वाला मतलब कहने का मतलब ये एक एक जो पैमाना है कि मतलब जिस ग्राउंड पर आपको प्री निकालकर मेंस में जाना होगा वहां कई बार हो सकता है आप लगे कि आप ठगे गए या आपके साथ गलत हुआ ऐसा है ना तो जाहिर सी बात है आप ही का राज्य है आप ही के लोग यहाँ देखिए लड़कों का मतलब विद्यार्थियों का मतलब जितने लोग हैं वो सब आप एक दूसरे के पूरक हैं आपसी अब प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन जहां बात समान अधिकारों की यहां तो समान अधिकारों की बात कि व्यवस्था में कुछ मूलभूत ऐसी बातें हैं ठीक है या तो विद्यार्थियों को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाए लेकिन उस प्रकार से है कि बड़ा आप ही के साथ के तमाम सब बच्चे व्यापक स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज आपने देखा कि किस प्रकार से लाठियां भी भाजी गई ठीक है बहुत बर्बरता से तमाम सारी चीजें हुई तो खैर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी देश के लिए अभी जो सूचना है जैसा कि आप बता रहे हैं और हम आने से पहले भी इस बात क्योंकि बिहार से बहुत सारे लोग बहुत बच्चे जुड़े रहते हैं हमेशा और तो उसमें यह है कि सात बजे से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं यहीं आपके बतरा से ठीक है उस जो हुआ है उनके साथ उसके विरोध में उसके प्रोटेस्ट में वो अपनी बात कहने के लिए तो उसमें कहीं एक प्रकार का ये संदेश न जाए कि आपकी ये संस्था ठीक है आपकी ये संस्था कहीं इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं ऐसा तो है नहीं भाई कोई भी शिक्षक कोई भी संस्था अगर विद्यार्थियों के लिए आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा कौन सा आप ही के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा कौन सा अधिकार सुरक्षित रहेगा बात एक है कि पठन पाठन जारी रहना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन बात इस बात की है कि एक संदेश जैसा लोगों को लग रहा है कि आप वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि जितने भी लोग हैं वो समर्थन में नहीं है वो साथ ही नहीं देना चाहते हैं तो क्या आप स्कैंडल मार्च का भाग या हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगर आप सहमत हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप ही की आवाज है आप सभी सहमत हैं तो हम सहमत तो क्या किया जाए एक मिनट एक मिनट नहीं अपने अपने हकूक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ना और उस आवाज उठाना कहीं से कोई बुराई नहीं ठीक है हाँ इसमें कोई नहीं कि हमारा समय किसी का समय थोड़ा सा थोड़ा शांति बनाइए अब हो गया थोड़ा शांति हां आप आप हमेशा अनुशासन का परिचय देते हैं हम बहुत तारीफ आप लोगों की करते हैं आपको पता भी नहीं कहां कहां तारीफ आपकी कितने राज्यों में जाती आपका अच्छा, अच्छा जो नेचर और अच्छा व्यवहार रहेगा मैं दूसरे हर राज्य के लड़के पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हम इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो ये हमारे यहाँ के बच्चों क्या अनुशासन है क्या सम्मान है तो आप उसको बनाए रखें बात समझ में आ गई आप उस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं सात बजे कैंडल मार्च है आप एकदम पूरी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ उद्दंडता मत करिएगा ठीक है उद्देश्य याद रखिए उद्दंडता मत करिएगा पूरी तरह से अनुशासन से आप अपनी बात रखिए सात बजे उन विद्यार्थियों का साथ दीजिए हम लोगों का भी पूरा सपोर्ट है आपको ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप शामिल होइए उसमें कुछ और कहा खरजी नगर का मेन शाखा बांध एक दिन का तो उसका परिणाम अच्छा रहा सकारात्मक रहा ये जो लॉजिकल नहीं लग रहा था ये दो पार्ट में और परसेंटाइल सिस्टम बड़े सारे क्वेश्चन जो लोगों ने रेज किया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए थे और वो सारे सारे जो भी क्वेश्चन रेज किए गए थे सारे जेनविन थे उसमें कुछ भी उसमें जिद बीपीएससी को जिद पे आने की कोई जरूरत उसमें नहीं थी जैसे कि जो दो पार्ट में कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे एक पार्ट में मान लीजिए पहले दिन 20 तारीख को 80 परसेंट लड़कियां शामिल हो गई और 22 तारीख को 20 परसेंट लड़कियां शामिल हुई दोनों में लड़कियों के लिए जो सीट है पीठी का सीट है अगर दोनों ग्रुप में आधा आधा होगा तो इसमें तो बीस में से आधा और यहाँ अस्सी में से आधा तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा उसी तरह से हर रिजर्वेशन हर कैटेगरी में सारे कैटेगरी में इस तरह की दिक्कतें आएंगी प्रैक्टिकली तो ये बहुत हो सकता था कि एक ग्रुप का पेपर थोड़े इजी हो जाता एक पेपर है जो तो बीपीएससी जैसे बीपीएससी में ये पता नहीं, थोड़ा ही वो आए, चुकी, जो के चेयरमैन है वो आई आई टी एन है तो आई आई टी एन है तो थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगा लिए थे उनको समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे जो लोग सबको जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं वो इतने ज्यादा ठीक है इनका इतना दिमाग चलने नहीं देंगे वो ठीक है और फिर ओरिजिनल उनको जहां से जहां से उन्होंने शुरुआत किया था वहीं पर उनको पहुंचा दिया गया ठीक है तो ये था तो अच्छा था एक दिन इक्कीस सितंबर को एग्जाम हो गया तो ये 21 सितंबर सितंबर का जो एग्जाम है उसका दो बड़ा इम्पोर्टेंट उसका आउटकम है एक इंपॉर्टेंट उसका आउटकम है कि भाई बीपीएससी सड़सठ अब उसका प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि बीपीएससी के पास कोई काम नहीं है कोई काम का मतलब ये होता है कि पीसीएस के नाम पे बीपीएससी छियासठ ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है रिजल्ट वगैरह निकाल करके बीपीएससी के द्वारा उसका जो भी लिस्ट होगा बिहार में जो कार्मिक विभाग है उसको दे दिया जाएगा उसका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे और सड़सठ का भी सड़सठ की शुरुआत भी नहीं हो पा रही पता नहीं किस ग्रहण सत्र में इसकी शुरुआत हुआ था कि पहले तो बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण फिर एग्जाम हुआ सब आप जानते ही हैं सब लोग तो अब लगता है कि बीपीएससी सड़सठ का सड़सठ की जो गाड़ी है वो गाड़ी चल जब मैंने उसकी शुरुआत हो जाए अब इसमें कई लोग नवंबर की मांग कर रहे थे तो भाई अब हो सकता है भाई अब उसमें कितना लॉजिक है क्या है उसमें हम हाँ लोग नहीं जाएंगे लेकिन मेरा अपना कंसर्न ये कहता है कि भाई बीपीएससी सड़सठ का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए जिससे जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर वहां से क्या होता है फिर वहां से एक होप जनरेट हो जाता है अब लग रहा है कि अब अधिकारी बनने का टाइम आने आने लगा नजदीक आने लगा और 800 से ऊपर सीट है तो 800 से ऊपर सीट है अब बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट है तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं तो जो लोग इस रेस में हैं जो मेहनत कर रहे हैं तो उनको उनका होप उनका जो उम्मीद है वो जग जाता है तो ये तो एक तो ये माने इस जो डिक्लेरेशन आज आया है उसका एक इम्पोर्टेंस दूसरा जो सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बीपीएससी अड़सठ सड़सठ के बाद अड़सठ उसका भी बड़े दिन से इंतजार हो रहा है और ये सड़सठ की गाड़ी नहीं चलने के कारण बीपीएससी अड़सठ अटका हुआ है, नहीं तो अगर बीपीएससी सड़सठ अगर दिसंबर 2021 में हो गया होता तो अब तक अड़सठ का भी पीटी हो चुका होता नहीं हो गया होता क्योंकि बीपीएससी सड़सठ का पीटी होता तो एक महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाता तीन चार महीने मई जु, अभी जून जुलाई के आसपास में जनरली जुलाई के आसपास में उसका मेन्स हो गया होता और मेन्स जैसे ही होता उसके आगे पीछे में अड़सठ का पीटी हो जाता बीपीएससी तो की गाड़ी जो बड़े रेगुलरली बड़े ही नियमित रूप से चल रही थी वो सड़सठ ने आकर के सबको अटका दिया है तो सोच के देखो आठ साढ़े आठ सौ इधर सीट सड़सठ का और साढ़े सात सौ आठ सौ के आसपास सुनने को मिल रहा है अड़सठ का सेवन फिफ्टी शायद उस दिन आया था अखबार में तो ये मिला के पंद्रह सोलह सौ सो सीट आपका इंतजार कर रहा है पंद्रह सौ सो, सोलह सौ सो तो अच्छा होता है बिहार जैसे छोटे राज्य में इतने सारे अधिकारी बनने का मौका अगर मिल जाता तो ये दोनों चीज़ें तो इसलिए मुझे लगता है कि सड़सठ का जो भी हुआ है एक तो बहुत अच्छा हुआ ये धरना जो दे रहे हैं उनका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है सौ परसेंट श्रेय जाता है उनको कि भाई उन्होंने ये बीपीएससी का जो ये दो पार्ट में और परसेंटाइल था उसको उन्होंने बीपीएससी को इस बात के लिए बाध्य किया कि उसको वो विड्रॉ करे नंबर वन नंबर टू आता है कि भाई ये अब डेट आ गया डेट क्योंकि डेट टलेगा तो फिर कोई ना कोई तो समस्या आ ही आते ही रहते हैं आगे फिर नवंबर में पता चला कि कहीं कुछ हो गया तो नवंबर के बाद फिर कहाँ चला जाएगा ये तो अल्टीमेटली तो नुकसान तो वैके मे ये सब एग्जाम के बार बार पोस्टपोन होने से नुकसान किसको हो रहा है नुकसान तो भाई स्टूडेंट्स को ही हो रहा है ना तो ये ये आ जाए अब ट्रीपे अब हो ही जाए और बीपीएससी सड़सठ नवंबर और ये जैसे जो चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जो आई का मेंस दे रहा है उसके लिए बीपीएससी पीटी उतना डिफिकल्ट फिर वो अपने जमाने में चले गए वो किस जमाने में जा करके ये बात कर रहे हैं कि अपने जमाने में चल रहे हैं कि जो बीपीएससी का मेंस दे रहा है यूपीएससी का जो मेंस दे रहा है उनके अनुसार वो इतना इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल है कि बीपीएससी पीटी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है और वो अपने जमाने में चले गए और अपने जमाने में जाकर के उन्होंने क्या किया वो अपने जमाने में जाकर के उन्होंने परसेप्शन बना लिया लेकिन अब इसमें क्या है कैसे हम ज्यादा देखे नहीं लेकिन मैं इस बात से लेकर के थोड़े प्रसन्न हूँ कि भाई डेट भी अनाउंस हो गया और वो जो एक बड़ी मांग थी परसेंटाइल सिस्टम को खत्म करने की तो वो भी खत्म हो गया ये दो चीजें और थर्ड बात यह है कि भाई जो बीपीएससी पी अड़सठ का अब जैसे ही पीटी होगा बीपीएससी पी अड़सठ का नोटिफिकेशन आ जाएगा एक महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आ जाएगा तो फिर सड़सठ भी रोल आउट होने लगेगा और अड़सठ भी रोल आउट होने लगा एक आंदोलन जो दिल्ली में आप लोगों ने कल किया था एक आंदोलन जो दिल्ली में कल जो हुआ था उसमें एक आंदोलन और उसमें एक मुद्दा शामिल करने की जरूरत थी दिल्ली से कि भाई दिल्ली में भी बीपीएससी का सेंटर बनाया जाए एग्जाम सेंटर बनाया जाए ये बड़ी गड़बड़ बात है कि यहाँ से बच्चे बार बार जाते हैं पटना अलग अलग जिलों में जाते हैं और यहाँ सरकारी स्कूल है यहाँ सरकारी स्कूल संडे को खाली रहता है सारे एग्जाम तो होते ही हैं दिल्ली में तो भाई बीपीएससी के लिए बहुत मुश्किल चीज थोड़ी है कि यहां पे स्कूलों में आके बातचीत कर लें भाई हजारों बच्चे पटना जाएं इससे अच्छा नहीं है कि दस बीस हेड होते हैं मजिस्ट्रेट होते हैं वो यहां आ जाए अब बाकी तो यहां टीचर है ही हर स्कूल में अपना प्रिंसिपल होते हैं हर स्कूल के सिस्टम होता है तो एक जो दिल्ली से जो मांग हो रहा है पटना में जो मांग हो रहा है अपनी जगह पे ठीक है लेकिन जो दिल्ली से मांग हो रहा है उस मांग में एक मांग को जरूर डाल देने की जरूरत है क्या क्या मांग डाल देने की जरूरत है कि एक सेंटर मैंने जो भी बीपीएससी का भाई पटना में आपको सेंटर की दिक्कत हो रही है हो रहा है ना कि बीपीएससी पटना में सेंटर नहीं मिले बिहार में सेंटर नहीं मिल पा रहे तो बिहार में सेंटर नहीं मिल पा रहे तो सारे बिहार के लोगों सारे जो लोग बिहार के एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम देने बिहार ही क्यों जाए बिहार के बाहर ही सेंटर बना दिया जाए और उसका सबसे अच्छा सेंटर क्या हो सकता है दिल्ली सेंटर हो सकता है तो यहां पे अगर 50 स्कूलों को हायर कर लिया जाए और वो एग्जाम यहां ले लिया जाए तो अच्छा नहीं रहेगा ये एग्जाम के दिन के दो दिन पहले आप सब ट्रेन से और हवाई जहाज से जाते हैं वहां रहने की कितनी दिक्कत होती है अब साढ़े छह लाख लोगों को आप हेर फेर कर देंगे कर देंगे हेर फेर भाई छपरा के लोगों को भेज देंगे पूर्णिया पूर्णिया के लोगों को भेज देंगे आरा और वहां जाकर के वहां रहने में कितनी दिक्कत होती है क्या रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई इतने लोगों कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे तो हमें लग रहा है कि एक दिन कभी जरूर मुद्दा उठा करके मेरा अपना सुझाव है अदरवाइज जो आंदोलनकारी लोग हैं उनके प्रति हम लोगों का सी के जमाने से अब सीसेट के जमाने से देखेंगे हम लोग उसमें भाग लिए हुए सीसेट में जो आंदोलन हुआ था हम लोग आगे बढ़ के उसमें भाग लिए थे और आज तक पे अभी भी सब वीडियो पड़ा हुआ है उस जमाने का जो हम लोगों ने भाग लिया था और क्या क्या किया उसमें यह होता है कि इस तरह के आंदोलन में कोचिंगों को नहीं घुसना चाहिए जब कोचिंग घुसता है ना इस आंदोलन में तो फिर क्या हो जाता है उसका बीपीएससी वाले थोड़े सावधान हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स का की मांग नहीं है ये किसकी मांग है ये ये कोचिंग संस्थाओं की मांग है तो मैं अपने लिए भी बोलता हूं कि भाई कोचिंग माने जब बच्चों का जब आंदोलन हो तो बच्चे इतने मैच्योर हैं कि बीपीएससी से उनको क्या लेना है और बीपीएससी को क्या सुझाव देना है वो खुद तय इसमें कोचिंग वालों की घुसना उतना जरूरी नहीं है कोचिंग हाँ ये जरूर कोचिंग का इतना ही रोल होता है पीछे रख के जैसे कल ही था क्लास ऑफ कर दिया गया तो सारे लोग आप लोग आंदोलन में चले गए तो इतने सारे लोग आंदोलन में चले जाएंगे तो आंदोलन एक न्यूज बना देता है क्या वो जोग्राफी वाले सर थे उन्होंने भी बोला था कि भाई आंदोलन में आप लोग जाइए हमने जरूर आज से बीस दस पंद्रह दिन पहले बोला था कि भाई थोड़ा पढ़ना पढ़ना भी क्योंकि पढ़ने के अल्टीमेटली साढ़े छह लाख लोग हैं और पीटी का रिजल्ट कितना आएगा है? दस हजार तो छह लाख चालीस हजार लोगों का क्या होगा तो भाई एक टीचर के रूप में मेरा जो रोल था भाई आंदोलन की जो मांग है वो अपनी जगह पे ठीक है सब अच्छा है बहुत सफल रहा आंदोलन लेकिन अल्टीमेटली पीटी के दिन क्या मैटर करेगा पढ़ाई तो आंदोलन में जो भी लगता है गलत हो रहा है उसके लिए आंदोलन किया जाए लेकिन साथ में आंदोलन से लौट के जाके पढ़ाई भी करते रहा जाए क्योंकि बीपीएससी के बारे में एक था इस बार तो बीपीएससी झुक गया लेकिन बीपीएससी के बारे में ये माना जाता है कि बीपीएससी थोड़ी जिद्दी संस्था है कोई भी केस बीपीएससी का कोर्ट में स्टूडेंट्स नहीं जीत पाए बहुत सारे केस होते हैं बीपीएससी अपने अनुसार रिजल्ट निकालते रहता है अभी भी बीपीएससी में चौसठ को लेकर के कि किसको किसको लेकर के तो बीपीएससी 2018 की बात बता रहा हूं 2018 का था या 2016 का था मेंस का एग्जाम इसी तरह से खूब पटना में आगजनी और क्या क्या हुआ लेकिन उसके बाद भी बीपीएससी ने मेंस ले लिया और जो लोग आंदोलन में याद है किसी को सोलह की बात है ये जुलाई 2016 की बात है कोई त्यौहार का मैटर था ने एग्जाम ले लिया था तो इसलिए बताया था जिद्दी है परिणाम ले तो देखो देखो क्या निकला पैटर्न उन्होंने चेंज किया लेकिन डेट उन्होंने चेंज नहीं किया सितंबर ही रख लिया हाँ तो आया हुआ कंफर्म आया हुआ अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आ गया आ गया डेट आ गया कि किस तारीख को एग्जाम होगा सारे जिला केंद्र को माने जिला बीपीएससी ने क्या किया है सारे जिला केंद्र जहां पे सेंटर सेंटर बना था वो सारे सेंटर को को लिस्ट भेज दिया कि भाई इस डेट 20 और 22 तारीख के बदले बीपीएससी सरसठवी का पीटी एग्जाम 21 तारीख इक्कीस सितंबर को किया जाएगा लिया जाएगा ठीक है तो चलिए खैर माने ये तो था ये विद्यार्थियों की जीत है जो भी हुआ परसेंटाइल सिस्टम का हटना बहुत जरूरी था विद्यार्थियों की जीत है ये जो आंदोलन आप लोगों ने किया वो अच्छा आंदोलन किया पटना में किया यहाँ किया दूसरी बात है कि एक आंदोलन दिल्ली में अभी कभी जब भी टाइम हो आपस में राय करके पढ़ाई पढ़ाई को खराब करके नहीं अभी भी हो सकता है आज भी हो सकता है <laughs> अभी नहीं अभी तो पढ़ लो शाम को कल कर लो कल को कर लो चाहे संडे को चूंकि अभी क्या होगा कि बीपीएससी के पास सेंटर की दिक्कत है बीपीएससी के द्वारा सेंटर खोजा जा रहा है तो उसी खोज में एक मैसेज यहां से यह चला जाए एक मैसेज यहां से चला जाए कि भाई बीपीएससी सड़सठ का सेंटर दिल्ली में भी होना चाहिए है? कौन सारे पीसेस वाले अच्छी बात है अब देखो यूपी के साथ यूपी के साथ एक फायदा हो जाता है देखो यूपी के साथ एक फायदा हो जाता है ना कि ना ना यूपी के साथ फायदा क्या हो जाता है कि गाजियाबाद हो गया नोएडा हो गया मेरठ हो गया आगरा हो गया ये सब दिल्ली के पास हो जाता है इसके लिए किसी को कभी आपने देखे होंगे कि यूपी का सेंटर दिल्ली वालों का सेंटर कभी जौनपुर बलिया पड़ता हो कभी ऐसा नहीं होता है हमेशा मेरठ आगरा जौनपुर मेरठ आगरा गाजियाबाद यही सेंटर होता है तो वो क्या करते हैं दिल्ली वालों के लिए अब यह है कि बिहार दूर है बिहार में तो ऐसा हो नहीं सकता तो बिहार में ऐसा अब पता नहीं अगर कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो कोई ना हो कोई संवैधानिक बाध्यता ना भाई आयोग एक संवैधानिक संस्था है ऐसा कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो तो यह बहुत सजेशन नहीं है सारे स्कूलों का पेमेंट जाता है आयोग की तरफ से जो आपसे फॉर्म फॉर्म में फौम भरवाते समय जो पैसा लिया जाता है तो पैसा सेंटर पे तो जाता ही है जो गार्डिंग करते हैं उनको देने के लिए तो उसी तरह से बिहार सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर यहां पे बातचीत हो दिल्ली सरकार बिहार सरकार से बात करे कि अपने जो सर्वोदय विद्यालय है वो संडे को आप हमें दे दीजिए पचास सेंटर आप हमें दे दीजिए तो कहां खराब है ये कितने तो पैसे बचेंगे नहीं अब मान लो अब ये है कि फिर यही बात है बीपीएससी के पास सारे लोगों का लोकल एड्रेस है एड्रेस ऑफ करेस्पोंडेंस सब लोगों का है लोकल एड्रेस या एड्रेस ऑफ करेस्पोंडेंस सब लोगों का बीपीएससी के पास है, है कि नहीं है तो उस करेस्पॉन्डेंस के आधार पे जो एड्रेस आपने दे रखा है उस करेस्पॉन्डेंस एड्रेस के आधार पे या ये भी कौन सी बड़ी बात है कि बीपीएससी अभी तो बहुत दिन एडमिट कार्ड जारी करने में है अभी तो शायद चौदह तारीख के आसपास एडमिट कार्ड जारी करेंगे ये तो तेरह चौदह को एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो एक चीज नहीं हो सकता है कि इस बीच में यह मांग कर लें ठीक है तो आपस में देखो दिल्ली में जो लोग हैं आपस में कभी या अपने यहां से ही जो लोग हैं ये मांग एक देखो एक और बात है इसके लिए कोई आंदोलन की भी जरूरत नहीं है इसका सबसे अच्छा तरीका एक होता है मैं बता रहा हूं सबसे अच्छा तरीका इसका एक अप्लीकेशन बना लीजिए अप्लीकेशन बना लीजिए अप्लीकेशन बना के सारे लोग उस पर साइन कर दीजिए बाहर भी साइन करवा लीजिए ठीक है बाहर भी साइन करवा लीजिए और साइन कर करके आप उसको सीधे ट्विटर के माध्यम से मेल के माध्यम से चीफ मिनिस्टर का सब कुछ है सोशल मीडिया का जमाना है आप उनको इस बार एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए सारे मीडिया सेंटर जो बिहार के हैं लाइव सिटी वाले हैं चाहे तो है आज तक वाले हैं आपके परिचित बिहार तक वाले हैं आपके परिचित कई लोगों का परिचित भी होंगे उसमें तो परिचित है तो उनको भेज दीजिए वो न्यूज चला दें वही न्यूज चला दें कि दिल्ली वालों की तरफ दिल्ली में रहने वाले बिहार के छात्रों की तरफ से सुविधा के और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि कोई बेंगलोर में रह रहा है कोई गुजरात में रह रहा है कोई पंजाब में रह रहा है सब लोग रहते हैं बिहार के बैंक में है आर्मी में है तो उन लोगों के लिए भी तो बहुत अच्छा रहेगा ना कि वो दिल्ली आना उनके लिए आसान रहेगा बनिस्पत की किसी रिमोट बिहार के जिले में जाना तो आप ये इसमें से कोई अगर जो लोग हैं कोई एक एप्लीकेशन टाइप करा लीजिए रिक्वेस्ट लिखते हुए कोई गलत शब्द उसमें खराब शब्द नहीं लिखा होना चाहिए बिल्कुल संवैधानिक शब्द होने चाहिए मान संसदीय शब्द होने चाहिए निवेदन के रूप में होना चाहिए और निवेदन के रूप में आप सारे लोग जो भी लोग हैं सब लोग उस पर अगर साइन कर दें नाम और सिग्नेचर अपना कर दें कि भाई दिल्ली में भी इस तरह का सेंध केंद्र बनाया जाए परीक्षा केंद्र के और हमारे उसमें एप्लीकेशन का पार्ट होना चाहिए कि हमारे आने जाने में समय खराब होता है हमारे पैसे खर्च होते हैं रहने में पैसे खर्च होते हैं इन बातों को तीन तरह के आपके खर्चे होते हैं असुविधा अलग होती है आने जाने का खर्चा होता है रहने का खर्चा होता है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक अप्लीकेशन चार लाइन का बना करके मुख्यमंत्री को अध्यक्ष को चूंकि आज ही सारा डिसीजन हुआ है अभी भी सेंटर लेने में उनको टाइम लगेगा एक सप्ताह इस बीच में अगर ये प्रपोजल उनके पास भेज दिया जाए तो यह कंसिडरेबल और कोई बहुत हार्मफुल सजेशन नहीं है ये तो आप लोग आपस में क्लास के बाद राय कर लीजिए कि ऐसा किया जा सकता है क्या तो ऐसा किया जा सकता है तो एक अप्लीकेशन बना करके सबसे साइन करा करके